हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल ए सी मेजर्स 34 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए सी आइदर ऑफ द वर्टिसेस बी एंड डी इज 12 मीटर एरिया ऑफ पैरेलल। तो पहले हम पैरेललोग्राम की एक फ़ोटो बना लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डायगोनल है, ठीक है ना, पहले तो ए बी सी डी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ए बी सी डी। ठीक है, तो जो डायगोनल है ए सी, ठीक है ना, ए सी डायगोनल कहाँ से है, यहाँ से शुरू है। ठीक है, ए सी डायगोनल हो गया। अब ए सी जब डायगोनल हो गया तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी और डी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है और यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, इन दोनों का जो आपका लेंथ है वो कितना है, 12 मीटर, और ये भी कितना है, 12 मीटर। और जो ए सी है, ठीक है ना, ए सी की लेंथ कितनी है, 34 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आता है ये 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्म लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बी इंटू एच प्लस हाफ बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। बी यहाँ पे कितना है, देखिए बी का मतलब ये जो बेस है इसका ट्रायंगल का, तो कितना हो गया, 34। ठीक है ना, ट्रायंगल ए डी सी का, देखिए ए डी सी, तो इसमें बेस क्या है, ये वाली लाइन है 34 वाली, 34 लिखेंगे। हाइट इसकी कितनी है, 12। ठीक है, अब यहाँ पे सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में लिखेंगे 1/2। बी कितना है यहाँ पे, 34। एच कितना है यहाँ पे, 12। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, 6 × 34 कितना होगा, 204, और प्लस 204 इधर भी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 34 × 6, 34 × 6 ये बचा हुआ है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 408, 408 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा, तब तक के लिए नमस्कार।